यूपी में हुए सड़क हादसे की आज दो दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं। पहला हादसा जौनपुर का है, जहां बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 8 के घायल होने की खबर है। ये सभी शीतला कड़ेधाम दर्शन करने जा रहे थे। वहीं दूसरी घटना बागपत की है, यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस बीच हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और एक दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी छात्रों का इलाज चल रहा है। दरअसल हादसा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर थाना खेकड़ा क्षेत्र के मविकला गांव के पास हुआ। तो ये दो तस्वीरें, दो हादसों की आपके टीवी स्क्रीन पर, जौनपुर और बागपत में। तो ये हादसों का शनिवार रहा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? ट्रक आ रहा था, ट्रक ने मार दी, पता ही नहीं चला। कितने बच्चे थे एक्सीडेंट में? 11-12। मंदिर के सामने गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, टट्टू ईंटों ढोलने वाली गाड़ी, लेबर गाड़ी चला रही थी और ये गाड़ी बच्चों को चढ़ा गए, रोड पर चढ़ चुकी थी, दूसरी साइड पहुँच चुकी थी, तो सामने से आकर साइड से टक्कर मारी इसने और टक्कर मार के भाग के ड्राइवर कंडक्टर तो भाग गए, एक लड़का खत्म हो गया, 4-5 घायल है, एक सीरियस।